वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैंप। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स में बिजी होंगे इन दिनों में। देखो, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है स्कूल्स में, दिस वन EMC, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। ये माइंडसेट जो है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या चाहती है सरकार, क्या चाहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी एजुकेशन है, वो इस तरह की हो कि वो जॉब सीकर्स ना हो, जॉब गिवर्स हो। ऐसा ना हो कि वो नौकरी मांगने वाले बने, वो नौकरी देने वाले बने। अब वो नौकरी देने वाले कैसे बनेंगे? जब वो कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे, कोई स्टार्टअप्स करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई उनके पास आइडियाज़ होंगे। आज मैं आपके साथ ना एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ये है मिस्टर करण बजाज, 42 ईयर्स ओल्ड, आर्मी बैकग्राउंड, फैमिली कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली नहीं है। वहाँ से ये 42 ईयर्स के पर्सन, इन्होंने इनकी एजुकेशन IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर से MBA किया, फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, कंपनियों में काम भी किया, प्रॉक्टर गैंबल में, डिस्कवरी चैनल में। कुछ टाइम के बाद अच्छा उस ये अपना जॉब एक्सपीरियंस ले लिया कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में। फिर इन्होंने देखो क्या किया, स्टार्टअप वाइट हैट जूनियर कोडिंग कंपनी बनाई, एक कोडिंग कंपनी बनाई। इन्होंने देखा कि हम इंडिया में जो बच्चे हैं उनको डिस्टेंस लर्निंग घर बैठे बैठे कोडिंग सिखा देते हैं। और उस टाइम पे आ गया पेंडेमिक, जहाँ कोरोना पेंडेमिक में लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, वहाँ इनके लिए वो एक आपदा जो थे वो एक अवसर बन गई। और इनकी कंपनी बहुत डेवलप कर गई, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो इनकी कंपनी बहुत सक्सेस कर गई। बहुत सारी हाउसवाइफ्स को जॉब मिली, उनको भी काम मिला, इन्होंने जॉब प्रोवाइड किए। ही वॉज नॉट द जॉब सीकर, उन्होंने जॉब दिए। आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि 2020 में इनकी उस कंपनी को बायजूस ने खरीद लिया। और कितने में खरीद लिया? $300 मिलियन, $30 करोड़। अगर आप रुपीज़ में करोगे तो लगभग 2200 करोड़ रुपये। अब सोचो, 2200 करोड़ में इन्होंने पैसा इन्वेस्टर से लगवाया होगा। अगर इनका शेयर में 50% भी मानूं, 40% भी मानूं, तो लगभग 1000 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें कमा लिए। अब आप इस चीज़ से ना थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ। आजकल क्या है कि जॉब्स के, गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे होते हैं बच्चे की गवर्नमेंट जॉब करनी है, एक सेटल सी लाइफ हो जाएगी बस। अंदाज़ा लगाओ, मान लो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को महीने में 1 लाख रुपये मिलता है, एक साल में कितना मिला? 12 लाख। अगर वो 30 साल भी जॉब कर लेगा तो कितना कमा लेगा? 3.5 करोड़, 4 करोड़ टोटल। जहाँ एक 42 इयर्स का पर्सन चाहे तो 1000 करोड़ भी कमा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई ना करो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो वर्ल्ड का सिनेरियो है ना, वो बदल रहा है। अब आप ये मत सोचो कि गवर्नमेंट जॉब है, एक सिक्योर सी जॉब मिल जाएगी, बस उसमें आराम से रह लेंगे। अब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करना शुरू करो। ये जो माइंडसेट है ना आपका, माइंडसेट होना चाहिए कुछ करना है। पूरा वर्ल्ड रूल कर सकते हो आप, आइडियाज़ निकालो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, नहीं। सबसे पहले अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, फिर देखो कि सोसाइटी में किस चीज़ की नीड है, उस पर फोकस करो, वो आइडियाज़ लाओ, उस पर काम करो, ऑनेस्टी से काम करो। Sky is the limit. दूसरा, मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं मेनली जो कंटेंट अपलोड करता हूँ स्टूडेंट्स के काम का होता है, मोटिवेशनल या इन्फॉर्मेटिव। तो आप इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ। उससे क्या होगा कि एक तो इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, फैलेगी, ज्ञान जितना बांटोगे उतना अच्छा है, आपके एफर्ट से हो सकता है किसी का भला हो जाए। दूसरा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊं। और अगर आपको कोई सजेशन है, आपका कोई कमेंट्स है, तो मुझे सजेस्ट करिए। मैं आपसे ना एक इंटरेक्टिव प्रोसेस रखना चाहता हूं। आपको किसी फील्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ला के दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज़, ऑल द बेस्ट, ऑलवेज बी हेल्थी एंड हैप्पी।